तो दोस्तों शक्ति पंप के क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको शक्ति पंप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 100% से भी ज़्यादा, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर इन परसेंटेज वाइज एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 136% की ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। और जो टोटल रेवेन्यू का नंबर यहाँ पर निकल कर आया है ये है 369 करोड़ का। देखिए क्वार्टरली बेसिस पर अच्छी ग्रोथ है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 185% से हमें यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 20 करोड़ का। ऑल्दो अगर हम देखें तो परसेंटेज जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो यहाँ पे 6% ही है। ऑल्दो अगर लगातार जिस तरीके से ग्रो हो रही है कंपनी तो मेरे ख्याल से नंबर अच्छे हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो 83% का ग्रोथ हमें कंपनी के नंबर्स में देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रेवेन्यू का जो नंबर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें डबल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नंबर 42% बढ़कर 20 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है लेकिन रेवेन्यू के कंपेरिजन में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन परसेंटेज वाइज हमें कम बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए 40% का ग्रोथ एक अच्छा ग्रोथ है। क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रॉफिटेबिलिटी 100% से ज़्यादा हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी तो यहाँ पे ये नंबर्स आउटस्टैंडिंग ही आने वाले थे। अब देखिए बहुत ही छोटी सी कंपनी अराउंड 1400 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे 1% का है और 4.30 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कोई भी इश्यू नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर हम देखें जो पहले के अभी जो दो क्वार्टर्स है तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें कंपनी के ना तो रेवेन्यू के नंबर्स में डिक्लाइन देखने को मिला है और नई प्रॉफिटेबिलिटी में। तो मतलब ये जो हमें आउटस्टैंडिंग ईयर ये देखने को मिला था तो ये आउटस्टैंडिंग ईयर हमें अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स की अगर हम बात करें तो पहले क्वार्टर में भी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा था और अभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं। आप देखिए 792 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है लेकिन देखिए मेरे ख्याल से रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट में कोई नेगेटिविटी नहीं है और 910 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम वहां से अगर हम इसको देखें तो अराउंड 12-13% का करेक्शन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। देखिए मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है, कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है और जिस तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड हमें क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से कंपनी इज गुड। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट अच्छे हैं, अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट नॉर्मली बिहेव करता है तो मेरे ख्याल से जो पिछला ऑल टाइम हाई है ये हमें 1-2 महीने के अंदर ये पिछला ऑल टाइम हाई काटता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि शक्ति पंप के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।